हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी स्किन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल क्या है, नाइट क्रीम या फिर नाइट जेल या नाइट स्लीपिंग मास्क। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं एक पॉइंट पहले ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में हम किसी भी ब्रांड के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, या आपको ऐसा लगे कि मैं किसी ब्रांड का कंपैरिजन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, बल्कि हम बात करेंगे दो प्रोडक्ट के बारे में कि नाइट जेल ज्यादा अच्छा होता है या फिर नाइट क्रीम ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन मुझे रिसीव होते हैं कि हमारी स्किन के लिए क्या ज्यादा सही है, हमें नाइट क्रीम यूज करना चाहिए या फिर हमें नाइट जेल यूज करना चाहिए। तो अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि आपकी स्किन के लिए क्या ज्यादा सही है, नाइट जेल या फिर नाइट क्रीम। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूंगी। आज के वीडियो में चाहे मैं नाइट क्रीम की बात कर रही हूं या फिर नाइट जेल की मैं बात कर रही हूं, मैं वही बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, क्योंकि मैंने कई ब्रांड के नाइट जेल भी यूज किए हैं, कई ब्रांड के नाइट क्रीम भी यूज किए हैं। तो उसी के बेसिस पे मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, तो प्लीज इस बात को माइंड में जरूर रखिएगा। तो आई थिंक बातें बहुत हो गई हैं, अब स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाइट क्रीम की। नाइट क्रीम के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऑलमोस्ट हर ब्रांड में, हर स्किन केयर ब्रांड में आपको नाइट क्रीम मिल जाएगी। चाहे आपकी स्किन कोई सी भी हो, आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग भी नाइट क्रीम मिल जाएगी। यहाँ तक कि अगर आपकी स्किन प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको नाइट क्रीम मिल जाएगी। और आजकल कई सारे ब्रांड ऐसे भी मार्केट में हैं जो कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके प्रोडक्ट आपको डिलीवर करते हैं। जैसे कि अगर आपकी स्किन औरों से डिफरेंट है, उसकी प्रॉब्लम्स औरों से डिफरेंट है, तो बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो आपको अपनी स्किन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जो है वो कस्टमाइज करके डिलीवर करते हैं। तो ये तो हो गई नाइट क्रीम की बात। और जहां तक रही बात नाइट जेल की, तो नाइट जेल या स्लीपिंग मास्क भी आपको बहुत सारे ब्रांड में मिल जाएंगे। वहां पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है कि वहां पे भी आपको कस्टमाइज भी मिल जाएगा, आपको अपनी स्किन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नाइट जेल या स्लीपिंग मास्क जरूर मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। जहां तक रही बात प्राइस की, तो जो भी आपका बजट हो आपको उसके अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट मिल जाएगा, चाहे नाइट क्रीम हो या फिर नाइट जेल हो। तो ये बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब बारी आती है कि नाइट क्रीम हो या नाइट जेल हो, अगर हम नाइट क्रीम यूज करें तो उससे क्या फर्क पड़ता है, या अगर हम नाइट जेल यूज करें तो उससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, बात रही दोनों को यूज करने की, तो दोनों ही प्रोडक्ट को हमें नाइट में ही यूज करना होता है, तभी आपको इनके सही रिजल्ट मिलते हैं। और अगर बात करें हम नाइट क्रीम की या नाइट जेल की, तो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट लिस्ट के प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपकी स्किन पे काम करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ कॉमन स्किन इश्यूज की या फिर कॉमन वर्क की। जैसे बात कर लेते हैं नाइट क्रीम की। अगर मैं नाइट क्रीम की बात करूं, तो नाइट क्रीम क्या करती है, ओवरनाइट आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, हाइड्रेट करती है, या आपकी स्किन को सूदिंग इफेक्ट देती है, कामिंग इफेक्ट देती है, या अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रही है पूरे दिन तो उसे डी स्ट्रेस करती है, या फिर थोड़ी देर के लिए या ओवरनाइट के लिए आपकी स्किन को बहुत अच्छे से लाइट फील कराती है या पैम्पर करने का काम करती है। मोटी मोटी तौर पे नाइट क्रीम का जो काम होता है वो यही होता है। लेकिन कुछ नाइट क्रीम ऐसी होती हैं जो कि रेटिनॉल जिनमें होता है, तो अगर किसी नाइट क्रीम में रेटिनॉल है तो वो आपकी स्किन पे अलग से काम करता है। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि हम जो भी नाइट क्रीम यूज करते हैं उनमें रेटिनॉल नहीं होता है, क्योंकि रेटिनॉल को यूज करने के कुछ स्पेशल तरीके होते हैं, स्पेशल टाइमिंग होती है, और कुछ
स्पेशल बातों का ध्यान रखना होता है अगर आप रेटिनॉल वाली नाइट क्रीम यूज कर रही हैं तो। फिलहाल ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक कॉमन बेनिफिट बता दिया है एक नाइट क्रीम का। वहीं पे अगर मैं बात करूँ नाइट जेल की, वैसे नाइट क्रीम के बारे में मैं एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि नाइट क्रीम की अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ तो टेक्सचर भी कई तरीके के आते हैं जो मैंने यूज किए हैं। कुछ नाइट क्रीम बहुत लाइट वेट, मतलब सुपर लाइट वेट, कुछ नाइट क्रीम काफी थिक होती हैं, कुछ नाइट क्रीम जो होती हैं वो थोड़ी सी मीडियम होती हैं, ना तो बहुत ज्यादा लाइट होती हैं ना तो बहुत ज्यादा थिक होती हैं, वो थोड़ी सी मीडियम होती हैं। तो इनके टेक्सचर भी अलग अलग होते हैं, लेकिन जहां पे हम बात करते हैं नाइट जेल की, वहां पे इनका जो टेक्सचर होता है वो एग्जैक्ट सेम होता है। आप किसी भी ब्रांड का नाइट जेल या स्लीपिंग मास्क बाय कर लीजिए, वो सारे ही सारे आपको जेल फॉर्म में मिलेंगे, सुपर लाइट वेट मिलेंगे, और इनमें जो टेक्सचर होगा वो सेम ही होगा, चाहे आप किसी भी ब्रांड का नाइट जेल या स्लीपिंग मास्क बाय करिए। अब हम बात कर लेते हैं कि स्लीपिंग मास्क क्या काम करता है। तो देखिए, स्लीपिंग मास्क का जो काम होता है वो नाइट क्रीम के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा अच्छा होता है या कहीं ज़्यादा विजिबल होता है। नाइट क्रीम जो होती है उसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही देखने को मिल जाता है, क्योंकि नाइट जेल लाइट वेट होता है, जेल होता है, और जेल में ऐसे इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं जो कि तुरंत ही आपकी स्किन पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। नाइट जेल आपकी स्किन के फाइन लाइन्स, रिंकल्स को टारगेट करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन पे जो एजिंग के साइन है वो टाइम से पहले आ गए हैं तो उसके लिए काम करता है। और नाइट जेल आपकी स्किन को अंदर से नरिश्ड करता है, रिप्लेनिश करता है, और साथ ही साथ उसे ओवरनाइट पैम्पर करने का भी काम करता है। और जहां तक रही बात मॉइस्चराइजेशन की या हाइड्रेशन की, तो नाइट क्रीम के कंपेरिजन में नाइट जेल आपको कहीं ज्यादा हाइड्रेशन देता है और मॉइस्चराइजेशन देता है। बट फिनिशिंग की अगर हम बात करें तो वो मैट फिनिश में होती है, मतलब कि आपको बिल्कुल भी आपकी स्किन जो है वो ऑयली, ग्रीसी या चिपचिपी फील नहीं होती। यही नहीं, अगर आपको फिर भी यकीन ना हो कि नाइट जेल आपकी स्किन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है या नाइट क्रीम आपकी स्किन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, तो उसका आप साइड बाय साइड एक्सपीरियंस कर सकती हैं। वो डेली एक साइड आप नाइट क्रीम यूज करिए और एक साइड आप नाइट जेल यूज करिए, आपको नाइट क्रीम का जो रिजल्ट है वो काफी स्लो देखने को मिलेगा, लेकिन नाइट जेल का रिजल्ट जो है वो आपको नेक्स्ट डे से ही देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मैंने बहुत सारी ब्रांड की नाइट क्रीम यूज की है, लेकिन जब भी मैं कोई नाइट जेल यूज करती हूँ या स्लीपिंग मास्क यूज करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन एक अलग ढंग से पैम्पर हुई है, या मेरी स्किन पे एक एक्स्ट्रा ग्लो मुझे दिख रहा है, या मेरी स्किन ओवरनाइट हील और रिपेयर हो गई है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप कंफ्यूज हो कि आपकी स्किन के लिए क्या ज्यादा सही है, नाइट क्रीम या फिर नाइट जेल, या अगर आप स्किन केयर में बिगिनर हैं और आप बहुत सोच समझ के अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप बिना सेकेंड थॉट रखे नाइट जेल में ही इन्वेस्ट करिए। आप किसी भी ब्रांड का नाइट जेल या स्लीपिंग मास्क बाय कर सकते हैं, वो आपकी स्किन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा और आपके पैसे जो हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे। यहाँ पे मैं एक पॉइंट जरूर शेयर करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि नाइट क्रीम आपकी स्किन के लिए काम नहीं करती है या वो वेस्ट है, बिल्कुल भी नहीं। नाइट क्रीम अपना काम करती है, बट उसका जो काम होता है वो काफी स्लो होता है। और आप अगर नॉर्मल नाइट क्रीम बाई कर रहे हैं जिसमें रेटिनॉल नहीं है, तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज करती है, ओवरनाइट रिपेयर करती है, लेकिन थोड़ा सा स्लो मोशन में। वहीं पे अगर आप नाइट जेल बाई करती हैं तो वो यही सारे काम करता है लेकिन फास्ट फॉरवर्ड मोशन में करता है, और साथ ही साथ वो आपकी स्किन के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा वर्क करता है, और उसका जो रिजल्ट होता है वो आपकी स्किन के लिए ज्यादा अच्छा होता है। फिलहाल मेरा जहां तक एक्सपीरियंस रहा है, मुझे नाइट जेल ज्यादा पसंद है। मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि नाइट जेल में इन्वेस्ट करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। वैसे आप में से कितने लोगों ने नाइट जेल यूज किया है, कितने लोगों ने नाइट क्रीम यूज की है, और आपको नाइट क्रीम ज्यादा पसंद है या फिर नाइट जेल ज्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि मुझे क्या पसंद है, बट मुझे ये भी जानना है कि आपको क्या पसंद है।
तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आपको नाइट क्रीम बाई करनी चाहिए या फिर आपको नाइट जेल बाई करना चाहिए, और दोनों के बीच में मैंने पॉइंट्स भी शेयर कर दिए कि क्यों आपको नाइट क्रीम बाई करनी चाहिए या क्यों आपको नाइट जेल बाई करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।